ओके तो चलो हेलो एवरीवन, हमारे साथ हैं आज जेएनयू के दो रैंकर्स, एक तृष्णा और दूसरा कुणाल। ठीक है, तो चलो तृष्णा आप पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो अपना, फिर कुणाल करेगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज तृष्णा। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। दैट्स इट। एंड दिस ईयर आई गॉट सेलेक्टेड इन डीयू एंड जेएनयू एंट्रेंस। आपका डीयू जेएनयू दोनों में ही हो गया था, बीएचयू में? नहीं सर, बीएचयू में नहीं हुआ था। अच्छा बीएचयू में बीएचयू, अभी भी वेटिंग वेटिंग में अच्छा दिखा रहा है सर। अच्छा और कुणाल आपका? हेलो एवरीवन, सो आई एम फ्रॉम देहरादून एंड आई हैव डन माय आई हैव एक्चुअली आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो आई हैव डन अच्छा बीटेक फ्रॉम यूपीएस देहरादून ओके एंड सो आई एम एक्चुअली स्विचिंग द फील्ड इनटू मोर थ्योरेटिकल साइड, सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग फिजिक्स एंड आई क्लियर जेएनयू। और बीएचयू में तो अभी लिस्ट मतलब क्वालिफाई हो गया पर लिस्ट पे पीछे ही है नाम। अच्छा पीछे नाम। तो कुणाल आपके चेंज करने का रीजन, मतलब आप बीटेक से इसमें थ्योरेटिकल फिजिक्स में जा रहे हो, कुछ खास रीजन? एक्चुअली हुआ यह था कि जैसे 11th 12th के बाद तो कंफ्यूज ही था काफी, तो पता नहीं था एग्जैक्टली माइक को और आप ऊपर कर लोगे कुणाल? अभी हाँ हाँ ठीक बोलो। तो हुआ ये कि फर्स्ट सेकंड ईयर तो ऐसे ही निकल गया कॉलेज इंजीनियरिंग में, तो बिजी निकल गया। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसा फीलिंग आने लग गया कि इंजीनियरिंग तो होने से रही क्योंकि इंटरेस्ट भी खास उतना आ नहीं रहा है। अच्छा और जब एक दो लैब्स हुई, कुछ चीज़ें बनाने को दी, तो उस पर बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि इधर तो होगा नहीं कुछ। हाँ और फिर एक्चुअली हमारे स्कूल में कॉलेज में जो कुछ टीचर्स थे उन्होंने मतलब उनसे मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ कि मैं थोड़ा अगर रिसर्च साइड में आ सकूं। और थोड़ा सा फिर उसके बाद धीरे धीरे फिजिक्स की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ने लगे, तो फिर आई डिसाइडेड कि आफ्टर लाइक जब मैं आई थिंक 4th या 5th सेमेस्टर में था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर मास्टर्स और पीएचडी इन फिजिक्स। अच्छा अच्छा कृष्णा आप हो कहाँ से प्रॉपर? सर लखनऊ से ही है, यूपी लखनऊ। अच्छा प्रॉपर आप लखनऊ से ही हो? यस सर। तो वहां पे आपकी कॉलेजिंग वगैरह, मतलब कॉलेज वगैरह आपका कैसा हुआ, कि बीएससी कैसा था, और उसके बाद फैमिली ने कैसे बोला कि आपको यही करना है, या उन लोगों ने बोला कि बीएड कर लो, क्या मतलब क्या था? सर बीएड का तो किसी ने नहीं बोला था मुझे। मेरे फैमिली में सब बहुत कूल है सर, मेरे को जो करना है वो अलाउ करते हैं, ऐसा अच्छा कुछ कोई प्रेशर नहीं है। इवन दो कि मैंने 1 साल का जो ईयर ड्रॉप लिया उसमें भी कोई प्रेशर नहीं था मेरे पर कि मतलब क्यों कर रही हो, मतलब किसी लोकल कॉलेज में ही ले लो एडमिशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है सर। तो फिर कॉलेज कैसा था आपका? हाँ सर, कॉलेज कॉलेज ठीक था सर, लेकिन इतनी गाइडेंस नहीं मिली थी कॉलेज में जितनी, मतलब मैंने बीएससी लास्ट ईयर में ये सोचा कि मुझे एमएससी भी करनी है, मतलब कोई प्रॉपर मेरे पास वो नहीं था आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब यही मेरे मेरे लिए शायद एक ड्रॉबैक हो गया कि मुझे 1 ईयर का गैप ईयर लेना पड़ गया। मतलब अगर पहले पता था तो पहले एग्जाम फोड़ हाँ, देता। पहले ही पता होता तो फिर शायद पहले ही अनअकैडमी ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, शायद पिछले साल ही हो गया होता जेएनयू में। या फिर तो आपके दोस्तों के बीच में माहौल कैसा था, कि मतलब दोस्त कैसे थे, मतलब उनका क्या था कि वो एमएससी करेंगे, या फिर उनका ऐसा था कि नहीं वो मतलब गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे या यूपीएससी एसएससी बहुत सारी जॉब्स हैं, तो उनका क्या प्लान था? सर मैं बताऊं आपको, मेरे क्लास में 12th में मैं अपने क्लास में शायद एक अकेली हूँ और एक मेरी फ्रेंड है, उसका बस वही हम और वो हैं जो बीएससी परस्यू कर रहे हैं, नहीं तो सब बीटेक वाले हैं सब, और सबकी प्लेसमेंट हो गई है सर, ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट प्लेस्ड, और हम ही लोग हैं कि यार हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, बीएससी करके बैठ गए घर पे, अब क्या करना है। अच्छा तो अभी कैसा लग रहा है क्लियर होने के बाद? सर अभी अभी भी है कि मतलब अब एमएससी करना है, फिर नेट निकालना है, यही आगे का सोचा है अभी। अच्छा कुणाल आपने जब अपना ट्रेड चेंज किया, मतलब आपने फील्ड अपना चेंज किया, तो आपको कैसा मतलब ये फैमिली से सपोर्ट मिला, या बस ऐसे ही कि मतलब आपने दम पे नहीं मेरे को करना आप लोग छोड़ दो, अब प्लेसमेंट के बारे में बात भी मतलब उसके बारे में पापा लोग बोल ही रहे होंगे क्योंकि शायद मे भी आपने इंजीनियरिंग की कोचिंग ली होगी, कुछ तो किया ही होगा, तो मतलब कैसा था घर में माहौल? नहीं मेरे मतलब घर पे ऐसा कुछ नहीं, सब सपोर्टिव ही है मेरे घर पे। हुँ। तो पहले भी मतलब जैसे जेई की कोचिंग करी थी
पर उसमें हुआ नहीं था, तो भी ऐसा कुछ खास ऐसा ऐसा जैसा दिखाते ना, तो कोई सैड माहौल हुआ नहीं था। तो उसके बाद भी मतलब यही था कि जैसे इंजीनियरिंग कर ली तुमने अब, तो फिर आगे क्या करना है पूछा, तो फिर मैंने बता दिया था कि मैंने पहले ही बता दिया था हाफ के मैं मतलब मैं ऐसे जॉब वगैरह ट्रेड में नहीं जा रहा इंजीनियरिंग वाले में, और मैं ये जाने वाला हूँ तो मैं इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। और फिर जब इन एग्जाम्स की फिर तैयारी करने बैठा, तो मैंने मतलब एक बार जब मेरा मतलब एंड में था, तो मैंने JNU डैम सब दिए थे। अच्छा। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरा इंजीनियरिंग के भी चल रहे थे फाइनल एग्जाम्स, और साथ में मुझे एकदम ही बिल्कुल अलग पढ़ना पड़ रहा था अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। तो उस टाइम पे तो शायद JNU और JNU जैम कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब जैम में मैं क्वालिफाई हो गया था। अच्छा। पर वो मार्क्स तो रैंक बहुत पीछे थी, मतलब लाइक 2000s में थी वो। अच्छा। उसमें उस तो उसके बाद फिर मैंने अभी अनअकैडमी ज्वाइन करा। अच्छा। तो उसके बाद अब ये कर रहे हैं, तो फिर अब ये हो गया, तो अभी तो खुशी है सब घर पे। चलो एक तो JNU मतलब चलो कुछ तो हुआ, ऐसे तो नहीं कि तो अभी पापा क्या बोल रहे हैं, मतलब आपने दूसरा DU वगैरह के लिए कुछ बोल नहीं रहे, फिर DU का रिजल्ट क्या होगा, वेट करो या JNU में लेना? एक्चुअली सर मैंने मतलब मैंने DU का नहीं भरा, क्योंकि एक तो देहरादून में और उनका सेंटर दिल्ली में आ रहा था। अच्छा। और फिर बीच में ट्रैवलिंग के बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी चल रहे थे यहाँ पर, तो फिर मैंने BHU का भरा था, BHU का आया, JNU का भरा था, और अभी मैंने TIFR का एग्जाम दिया रिसेंटली, और अब तो फिर जैम ही है उसका, जैम और टेस्ट। तो मतलब आपका इसमें आपका कौन सा ट्रेड है बीटेक का? इंजीनियरिंग मैकेनिकल। मैकेनिकल था, तो उसमें फिजिक्स आपने पढ़ा था पहले फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में? हाँ, हमारा फर्स्ट मतलब दो सेमेस्टर फिजिक्स था, मैथमेटिक्स वही फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। अच्छा। तो फिर ऐसे मतलब जो यहाँ पे आपका कोर फिजिक्स में जो BSc वाले जो बच्चे पढ़ते हैं 3 साल में, तो उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके? कोर फिजिक्स का तो सर मैंने ऐसे मिलाया नहीं, लेकिन जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है वन क्लासिकल, और मैथमेटिकल मेथड्स हमारे जितने भी थे, और जो बेसिक है वो तो सब कुछ सिलेबस कवर्ड ही था। प्लस हमारे यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव्स थे हमारे, जैसे नैरो टेक्नोलॉजी था तो मैंने वो लिया था, मटेरियल साइंस और नैरो मटेरियल्स, तो ये सब पढ़ रखा था। अच्छा। तो उससे भी हेल्प हुई, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बेसिक था इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सेमी कंडक्टर्स का। अच्छा अच्छा कृष्णा, आपने चूंकि जैम भी दिया था 21 वाला, आप दोनों नहीं दिए थे, तो आपने भी जैम दिया था, आपका जैम रिजल्ट मुझे कुछ खास कभी पता चला नहीं, तो रिजल्ट मैंने बताया ही नहीं सर। तो जैम के रिजल्ट के बाद, हाँ, तो जैम के रिजल्ट के बाद कैसा था, मतलब कैसा था रिजल्ट? मतलब बहुत डिप्रेसिंग रिजल्ट आया सर, मतलब उम्मीद तो बिल्कुल, मतलब पेपर देने के बाद तो ऐसा लग गया था कि मतलब यही होने ही वाला है, अब इसको लेके बैठ के कर क्या करना, मतलब रिजल्ट का वेट करेंगे तो फिर आगे के एग्जाम अफेक्ट होंगे। तो इतना था कि हाँ क्वालिफाई हो गया था, लेकिन जैसे उस कुणाल ने कहा कि 2000 में रैंक थी, वैसे ही मेरी भी 2000 में रैंक थी। हाँ, तो NITs का भी कोई चांस नहीं था, और NITs लेना भी नहीं था सर, कि मतलब NITs में एक तो फीस इतनी होती है, ऊपर से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मैटर करता है। फिर मैंने यही सोचा कि मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे ही ट्राई करते हैं। तो फिर उसके बाद प्रिपरेशन कैसे रखी थी आप एग्जाम के सर? बिल्कुल वही जैम का जो सिलेबस था मैंने वही किया, बाकी मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, बस पेपर लगाए हैं मैंने, मतलब जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं इन सब के, बस वही पेपर्स लगाए, एनालाइज किया कि मैंने वहां पे जैम के पेपर में क्या क्या गलतियां की हैं, वो नहीं करनी है। अच्छा। हाँ, ये चीज सर कि क्यों नहीं हुआ वहां पर। तो क्या क्या गलतियां करी थी आपने जैम? सर अभी जो बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि अभी 1.5 महीना बचा है, उनको पेपर देना है, अब मैं बता दूंगी अपनी गलतियां तो बेचारे देख के। अरे फिर भी बता दो, कोई बात नहीं, आप बता क्या क्या गलतियां हुई थी आपसे जॉइन? सर एक तो ये था कि मैंने ज्वाइन कर तो लिया था अनअकैडमी जून में ज्वाइन किया था मैंने अनअकैडमी लास्ट ईयर जून में, लेकिन मेरी सही से प्रिपरेशन सितंबर या अगस्त, हाँ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी सर, अगस्त से मैंने अपनी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरा सिलेबस एक तो इतना था, रश हो गया था कि सिलेबस ही कंप्लीट करते रह गए जनवरी तक, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मतलब रिवीजन तो किया ही नहीं बिल्कुल,
और बस उसी के अंडर कॉन्फिडेंट में गए पेपर देने, कुछ हाथ में नहीं आया। तो जब आपने पहले टीयू का पेपर दिया था, जेएनयू का पेपर पहला था? सर पहले, सबसे पहले तो एचसी, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब पहले आपका एग्जाम कौन सा हुआ था, डीयू का हुआ था पहले या जेएनयू का हुआ था? नहीं नहीं सर, पहले डीयू, पहले जेएनयू का हुआ था, पहले जेएनयू का पेपर हुआ था फिर डीयू का हुआ था। लग गया था हो जाएगा इस बार जेएनयू? सर कॉन्फिडेंट तो मेरा, कॉन्फिडेंस तो अभी भी नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन चलो मैंने इस बार भी इसी वजह से मैंने जैम का फॉर्म भर दिया कि यार मतलब अभी भी कॉन्फिडेंट तो है नहीं, हो जाएगा तो भर देते हैं, पता नहीं क्या होगा आगे। कुणाल आपसे क्या क्या गलतियां हुई थी आपको भी याद होगा कुछ? सर मेरा तो ऐसा था कि मैंने मतलब जैम का सिलेबस उठाया आई गेस लाइक जनवरी में, मतलब पिछले साल जैसे फरवरी में, तो पिछले साल जनवरी में मैंने उठाया कि क्या क्या सिलेबस है चलो देखता हूँ। तो मैं उस टाइम पर सोच रहा था, तो मैंने एक दो टीचरों से बात करी अपने यूनिवर्सिटी में, ऐसे किसी ने बताया मेरे को कि ऐसा एग्जाम होता है जैम का, तो ये सब देखा। तो फिर उसके बाद जैम का सिलेबस देखा, तो मैंने देखा कि यार जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा ऐसे निकाल दिया हमने फिजिक्स, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोचिंग वोचिंग नहीं लगाते और खुद ही कवर अप करते हैं इधर उधर देख के यूट्यूब वीडियोस और ये सब। पर वो वही जैसे तृष्णा का हुआ, तो वो दिसंबर तक चल ही रहा था। और मेरे ख्याल से ईएमटी मैंने स्टार्ट किया था, तो ईएमटी मेरा स्टार्ट ही नवंबर में हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद ऐसा है कि माइंड में ऐसा हो रहा था कि जैसे अभी हम ईएमटी चल रहा है और थर्मल चल रहा है, तो अभी क्लासिकल के लिए रिविजन नहीं करा तो वो भूल गए। अच्छा। यही हुआ था। और एक दो क्वेश्चन नहीं हुए तो वही कॉन्फिडेंस पूरा गया कि अब तो भगवान भरोसे जा रहे हैं जैम के पहले वाले में। तो उसके बाद यही हुआ सारे एग्जाम में जो दिए पहली बारी में। तो ये देख कर डर नहीं लगता था कभी, मतलब ऐसा ये चीज दिमाग में नहीं आई कि जैसे आप दे रहे एग्जाम ठीक है, और आपके साथ जो बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी बीएससी फिजिक्स वाले हैं, और उसमें भी अच्छे कुछ अच्छे कॉलेज के बच्चे जिन्होंने प्रॉपर 3 साल फिजिक्स पढ़ा है, आपने 2 साल जो फिजिक्स पढ़ा साथ में आपने मैकेनिकल भी किया, तो ये डर नहीं था मतलब अंडर कॉन्फिडेंट कभी हुए थे ऐसा कुछ, मतलब जेएनयू के एग्जाम से पहले भी या इवन दूसरे एग्जाम से पहले? मतलब इस तरह का डर तो नहीं लगा कि जैसे बीएससी कर रहे हैं और बीटेक, क्योंकि पढ़ाई तो वही, फिजिक्स का सिलेबस तो वही है, और तो अपने क्वेश्चन भी वही आएंगे, कुछ अलग तो वो पढ़ेंगे नहीं जो हम नहीं बिल्कुल पढ़ रहे, तो वैसा तो नहीं आया था। हाँ वैसा इस तरीके का थोड़ा प्रेशर है माइंड में कि जैसे अभी बीटेक हो गया और कुछ जो बच्चे हैं मेरे, मतलब मेरे साथ के क्लासमेट्स हो तो जॉब में है, और प्लस मैंने इसके लिए मैंने जॉब ले ली थी अच्छी कंपनियों में, लगी भी थी 2 में, और फिर मैंने छोड़ दी उसके लिए। अच्छा। कर लिया था घर वालों को कि मैं इस तरफ आना चाहता हूँ, तो वो भी एक प्रेशर था कि जॉब छोड़ दी इसके लिए और अब ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो फिर इसके लिए जब जेएनयू हो गया तो थोड़ा सा ऐसा मन में रिलैक्स है, चलो एक सेफ पैडिंग तो है। अच्छा अच्छा तृष्णा ये बताओ आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, क्या क्या करना है आगे फ्यूचर में? अभी तक तो आपने ये कर लिया, चलो एमएससी में ले लिया एडमिशन, अब एमएससी के बाद आपने पीएचडी का ही सोचा है कि बाद में फिर बीएड वगैरह इन सब में जाओगे, या कुछ और प्लान है आपको? सर अभी तो मतलब बस जॉब ओरिएंटेड करियर वही मैं सोच रही हूँ, पीएचडी तो बड़ा लंबा चला जाएगा हम लोग का, तो वही सोच रही हूँ कि मतलब अगर साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर साइंटिस्ट की वैकेंसी आती है इसरो डीआरडीओ की तो आई विल फिल दैट, और कोशिश करेंगे कि नेट निकल जाए लेक्चरशिप वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला होता है। अभी फॉर्म भरा आपने? हाँ सर मैंने फॉर्म भर दिया, आपने बोला था कि मतलब भर दो आपका हो जाएगा, तो मैंने कहा कि मतलब पेपर पैटर्न देखने के लिए भर देते हैं एटलीस्ट। और उसके बाद फिर बार्क वगैरह का भी तो फॉर्म आएगा ना, बार्क का आएगा गेट का आएगा? हाँ सर वही साइंटिफिक असिस्टेंट जो आता है वो उसका मेरे तरफ ज्यादा मुझे वो है। अभी पीएचडी का सर क्योंकि कोई आइडिया नहीं है, एमएससी में ही सब पता चल रहा है कि क्या आगे क्या होता है उसमें, रिसर्च एरिया में क्या काम हो रहा है अभी कैसे चल रहा है, तो अभी तो मैंने पीएचडी का बिल्कुल नहीं सोचा है। अच्छा कुणाल आपका क्या प्लान है आगे का, क्योंकि आपने तो एक पूरा ट्रेड चेंज करके आप आए हो या फिर फील्ड ही चेंज करके आए हो, तो आपके तो एस्पिरेशंस और भी ज्यादा हाई होंगे, तो क्या प्लान है आपका? मेरे तो
मतलब ऐसे रफ प्लानिंग जो है उसमें पीएचडी तो फिलहाल है, मतलब फ्यूचर में तो पीएचडी मैंने एज ऑप्शन की, पर मेरा भी यही था कि जैसे मेरे को भी कईयों ने किया था सजेस्ट कि कहीं एग्जाम्स है तो डायरेक्टली पीएचडी कर लो इसमें जाके, तो मेरा भी ये था कि यार एक तो ट्रेड चेंज किया ऊपर से कुछ पता नहीं है, तो थोड़ा बीच में गैप ब्रिजिंग होनी चाहिए मास्टर्स की, पीएचडी में फायदा नहीं है और 5 साल फिर ऐसे घूमते रहेंगे, तो फिर इसी चक्कर में फिर मैंने ये मास्टर्स का किया और अब पीएचडी मैंने रखा हुआ है, तो मास्टर्स में पता चल जाएगा कि उस लायक है कि नहीं है, देखेंगे वहीं पर। तो फिर आईआईटी जेएनयू का एग्जाम दोनों ही दोगे ना, तो दोनों का क्या प्लान आगे, मतलब आईआईटी से अटैच जॉइन करना है या जेएनयू को ही कंटिन्यू करना है? सर जेएनयू ही कंटिन्यू करना है वैसे। अब हिम्मत नहीं है ना? अब हिम्मत नहीं है सर, मतलब वो प्रेशर फिर से लेने की, लेकिन सर पेपर तो देंगे, पेपर देंगे, फॉर्म भरे हैं तो पेपर देंगे। कुणाल आप बताओ क्या प्लान है आपका? मेरा तो मतलब मैंने तो जब स्टार्ट किया था पिछले साल पता नहीं कब किया था, तब तो मेरा तो आईआईटी रखा था क्योंकि मेरे को पहले पता ही यही था कि जैम का, और तो अभी भी मेरा मतलब मेनली शायद आईआईटी है इसमें, तो वो है कि इसको लेके चलते हैं और अगर जैसे आईआईटी में आ गया तो फिर उसके बाद देखेंगे आगे चीज, कोई अच्छी आईआईटी मिले तो ना, क्योंकि ऐसे अगर आईआईटी इधर उधर का कोई आईआईटी मिलेगा तो जाने से फायदा नहीं, मतलब मन में ऐसे रखा है कि जैसे ओल्ड आईआईटीज हैं अगर कोई अच्छा ओल्ड आईआईटी मिले वो टॉप के 4-5 है तो ठीक है, नहीं तो फिर पैसे में क्यों जाना जब अच्छा जेएनयू है ही अच्छा है इतना, तो फिर ऐसे क्यों स्विच करना। सही बात है। चलो फिर दोनों एक एक करके बता दो जरा, अगर कुछ साथ वालों को मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि कुणाल आपका भी मैसेज बहुत मैटर करेगा क्योंकि आप बीटेक से, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं बीटेक वालों के, और कृष्णा आपका भी मैसेज मैटर करेगा, तो पहले कुणाल आप ही स्टार्ट करो फिर कृष्णा पे आते बीटेक वालों को क्या बोलो, क्या बीटेक वालों को स्पेशली, मतलब बीएससी वालों को नहीं, क्योंकि उनको तो रैंडम पे कृष्णा दे देंगे, आप बताओ। बीएससी वालों का तो सर मेरा आइडिया भी नहीं है, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं वो भी बीटेक वाले ही हैं। अच्छा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं बीएससी का, बीटेक का तो मैं यही बोल सकता हूँ कि जैसे मेरे हिसाब से तो मोस्टली मैकेनिकल वाले ही होते हैं जो स्विच करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई करता होगा स्विच, तो अगर कोई करता है तो हार्ड होता है, मतलब अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो कि जैसे ट्रेड चेंज करने के लिए, जैसे मैंने तो फिर भी फिजिक्स करी, कुछ लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री में करेंगे या मैथमेटिक्स में करेंगे या बीटेक से, तो ऐसा है कि कोर्स वर्क बीटेक का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज्यादा होती हैं, ऊपर से एक क्योंकि फीस का भी होता है, कई लोगों का कई सारी फैमिली की जो आधी इनकम होती है वो बीटेक फीस में चल जाती है। सही बात है। ये मतलब टाइम मैनेज करना होता है बेसिकली, तो थोड़ा सा ये तो होता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा बीच से, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उसको तो कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। सही बात है। तुम कितना भी टाइम टेबल तो वैसे काम करते नहीं है कभी, मैंने बहुत सारे बना के देख लिए मेरे ख्याल से 10-12 तो मेरे पास एक्सेल शीट्स होंगे टाइम टेबल की, मैंने कभी नहीं खोली वो, पहली बार बनाया कोई नहीं फॉलो करना था टाइम कभी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद यही होता है कि बस अपने रूटीन में धीरे धीरे उसको लाना होता है, तो वही है कि अगर तुम बीटेक कर रहे हो और तुम इस तरीके का ऐसा जेएमएस की तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो बीटेक में पढ़ा है वही आएगा और बहुत अलग भी नहीं आएगा, बस ये कि एक गाइडेंस ले लो हल्की सी, और बीटेक को भी थोड़ा सा बीटेक पे कॉम्प्रोमाइज तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। जा रहे हो कि मैं बीटेक में 10 CGPA भी लाऊंगा और यहाँ पर भी मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा, तो दोनों तरफ तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तुम बहुत ही टॉपर हो तो अलग बात है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा अगर तुम लास्ट ईयर में तुम्हारा अच्छा 7 से ऊपर है CGPA तो थोड़ा बीटेक को कॉम्प्रोमाइज कर दो और थोड़ा सा जैम में करो 100% दो, तो शायद वो एफर्ट से वहाँ पे हो जाए। अपनी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस कर सकते हो, बस यही करो, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, फॉर्मूला याद होंगे, बस मेरा तो यही मेथड है सर पढ़ने का, मतलब सबका यही मेथड होता है पढ़ने का, तो वहां पे जाके बस ये ना हो कि एक क्वेश्चन नहीं लगा, दो क्वेश्चन नहीं लगा तो बस हार मान ली, नहीं हार नहीं माननी, अभी ये बहुत क्वेश्चंस है, 60 क्वेश्चंस है, तुम्हें पूरे 60 क्वेश्चंस नहीं करने होते हो जैम में, बस इतना है कि 50% करके चले आओगे ना फिर भी हो जाएगा, अच्छी आईआईटी मिल जाती है। तो फिर ये क्या बोलते हैं जैम के बाद के डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना है? आप दोनों ही बताओगे, दोनों ही झेल चुके, मतलब जैम में नहीं होता फिर उसके बाद
सर जेएम की बात, तो मतलब जो पहला रिजल्ट आया था, तो पहले तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो मेरे ख्याल से नींद आई नहीं होगी मेरे को, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते तो आई नहीं होगी नींद। अच्छा। और उसके बाद भी ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना कि तुम चलो एनालिसिस कर लो पेपर का, जैसे कृष्णा ने बोला कि, तो मैंने तो 3 महीने तक देखा भी नहीं कि पेपर क्या था और मेरी गलती कहाँ हुई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मेरे से नहीं देखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ कि मैंने एक उसके बाद एकदम से ज्वाइन कर लिया था, मेरे ख्याल से 22 मार्च को आया था रिजल्ट, 21 मार्च को, 21-22, तो उसके बाद मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था, पहले आई थिंक मैंने ज्वाइन कर लिया था, और फिर मैंने वही आपकी क्लासेस और अनअकैडमी मैंने स्टार्ट कर दिया था, फिर वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे क्लासेस पढ़ी तो ये हुआ कि कहाँ पर गलती हुई थी, ऐसे मन में आ गया कि जैसे क्लास में क्वेश्चन करे प्रीवियस ईयर के, कह रहे ये तो आया था और अच्छा ऐसे करना था ये, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड उधर से हुआ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे जैसे टाइम पास होता तो थोड़ा डिप्रेशन पीछे चला जाता, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो डिप्रेशन धीरे धीरे जाता, वो बैक ऑफ द माइंड तो रहता है लेकिन मतलब ऐसा है कि थोड़ा रिड्यूस हो जाता है काफी, दिसंबर तक आता है तो काफी। कृष्णा आप बता दो कुछ। सर रिजल्ट का तो मेरे को कोई वही नहीं था कि मुझे पता था कि यही आने वाला है, क्योंकि जो पेपर में करके आए हैं वही मिलेगा, कोई चमत्कार तो होगा नहीं वहाँ पे रिजल्ट में, तो मैं पहले से प्रिपेयर थी कि यही रिजल्ट आने वाला है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था कि रोना धोना कुछ नहीं। सर मैंने पेपर देने के बाद 2-1 हफ्ता बस लगाया था कि हाँ नहीं होगा, मुझे पता नहीं होने वाला है, IIT नहीं मिलेगी, अब आगे की यूनिवर्सिटीज का देखना है बस यही था, और फैमिली को भी बता दिया था कि भाई नहीं होने वाला है तो कोई उम्मीद मत रखो। चलो सही है, चलो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करना, बहुत जल्दी आप लोग जेल में मिलोगे, ठीक है। चलो बिल्कुल, अब मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के फ्यूचर के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच कुणाल, ठीक है, ओके चलो बाय बाय।